हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आप सबका स्वागत करता हूं गुजराती चेस जोन में। दोस्तों, ओपनिंग तो हमने बहुत सारी कर दी है, मेरी चैनल में आप बहुत सारी ओपनिंग्स देख सकते हो। आज मैं स्पेशली एक्सपर्ट लेवल के प्लेयरों के लिए लाया हूं मिडल गेम टैक्टिक्स। दोस्तों, इस मिडल गेम में क्या करना है, बहुत सारे प्लेयर्स जो नए नए होते हैं, बिगिनर्स टू एडवांस लेवल में जाते हैं, उनके क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमें प्लानिंग पता नहीं चलता कि प्लानिंग कैसे करें, कौन से पोजीशन में किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग के बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेंटर में नाइट e5 पड़ा है वाइट का, और ब्लैक ने कैसलिंग नहीं किया है, किंग e8 पे ही है और वाइट ने कैसलिंग कर दिया है। लेकिन ब्लैक ने एक पॉन वाइट का प्लस मतलब वाइट का पॉन ले लिया है। कंपेंसेशन में ब्लैक का किंग सेंटर में है और वाइट कैसलिंग करके कम्प्लीटली खेल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में किंग होता है तब आप अलग अलग तरह के सेक्रीफाइस मूव्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में वाइट ने सबसे पहले नाइट टेक्स f7 कैलकुलेट किया था। नाइट f7 के बाद में आफ्टर किंग टेक्स f7, उसके बाद आप सोच सकते हैं, 2 मिनट सोच के आपको इसमें और भी मूव खुद ढूंढ के बाद में मेरा वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगा क्वीन h5 चेक। क्वीन h5 चेक के बाद किंग e7, c takes d5। अब यहाँ पे पॉन पिन है तो क्वीन टेक्स d5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वीन h5 से आपकी क्वीन लेगा। यहाँ पे ब्लैक को e5, ये हो गया फोर्स मूव e5 के सामने। अब आप यहाँ पे rook takes e5 भी सोच सकते हैं, और अगर आपको अभी भी सेक्रीफाइस, मतलब ये गेम में वाइट ने खेला था f4 जो कि बिना सेक्रीफाइस का परफेक्ट मूव था। पॉन जो e5 पे पिनिंग है उस पर उसने डबल अटैक कर दिया है रुक और पॉन से। f5 के बाद क्वीन टेक्स d5, अब f cross e5, then rook takes e5, और वाइट सिंपली क्वीन विन होता है। तो ये है एक स्टार्टिंग पोजीशन। दूसरी पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक का किंग सेंट्रलाइज है। यहाँ भी ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले नाइट क्रॉस f7, ये सेक्रीफाइस बहुत ही बढ़िया काम करता है। नाइट क्रॉस f7, नाइट क्रॉस f7 आफ्टर किंग टेक्स f7, दूसरा मूव होगा बिशप क्रॉस f6, बिशप क्रॉस f6, और यहाँ एक बेहतरीन मूव रुक d5, लाइन क्लोजिंग, यहाँ पे लाइन क्लोजिंग का इस्तेमाल किया है। अगर ब्लैक ने क्वीन टेक्स d5 किया तो सिंपल नाइट और पॉन से मर रहा है, और यहाँ पे या पॉन से भी आप ले सकते हो, तो क्वीन टेक्स d5 पॉसिबल नहीं है। d5, उसके बाद ब्लैक क्या रिप्लाई दे सकता है पहले आपको सोचना है। पॉन टेक्स d5 में क्या होगा, यहाँ पे नाइट टेक्स d5, और इस बिशप को दूसरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। आफ्टर क्वीन d8 रुक f6, तो ये पोजीशन भी वाइट के लिए काफ़ी अच्छी है। सेंटर में किंग रखना दोस्तों बहुत ही डेंजर होता है, तो कभी भी अर्ली अटैक सेंटर में आ सकता है। हम और भी बहुत सारी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये पोजीशन में भी ब्लैक का किंग सेंटर में है, तो यहाँ वाइट में मिखाइल ताल खेल रहे थे, जिन्होंने बहुत ही गेम थोड़ी लंबी चली थी
और लॉन्ग कैलकुलेशन के बाद में नाइट e6। अब यहाँ पे लॉजिकल मूव है, अटैकिंग मूव है। अगर ब्लैक प्लेयर पॉन टेक्स नाइट मारता है तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि आफ्टर क्वीन h5 चेक, किंग d7, क्वीन g4 और ब्लैक के वाइट के पास क्वीन इंटू g7 जैसे और d6 और बहुत सारे थ्रेट्स हैं, तो f इंटू e6 नॉट पॉसिबल। तो ये सेक्रीफाइस ब्लैक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसके रिप्लाई में ब्लैक ने खेला था क्वीन d6, क्वीन d6, उसके बाद नाइट क्रॉस g7 चेक, किंग f8, अगेन नाइट e6 चेक, किंग e8, रुक h f1, बिशप g5 चेक, किंग b1, b5, क्वीन h5 विद द थ्रेट ऑफ क्वीन इनटू f7, क्वीन h5 के बाद बिशप f4 लाइन क्लोजिंग, बिशप b3 नॉर्मली सेव हिज बिशप, a5। अब यहाँ पे ब्लैक ट्राई करता है बिशप b3 वाले बिशप को ट्रैप करने का, नाइट c7 चेक, सेक्रीफाइस अगेन क्वीन टेक c7, d6, यहाँ पे d6 के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया था, बिकॉज अगर क्वीन d7 आता है तो रुक क्रॉस f4, e क्रॉस f4 और क्वीन e5 चेक, देन क्वीन टेक्स h8। तो दोस्तों ये काफ़ी मिखाइल ताल की ज़बरदस्त सेक्रीफाइस वाली गेम है। अब दोस्तों ये पोजीशन देखिए, अब यहाँ पे मटेरियल वाइट ने दो पॉन सैक किए हैं, लेकिन ब्लैक किंग इन द सेंटर, बहुत सारी पोजीशन, बहुत सारी ओपनिंग्स में भी ये पोजीशन आती है जहाँ पे किंग अभी जस्ट एक स्टेप दूर है कैसलिंग करने के लिए, ओनली वन स्टेप। अगर इसने कैसलिंग कर लिया ब्लैक ने तो फिर पूरी गेम ब्लैक के कंट्रोल में आ जाएगी, मतलब ऑलरेडी वो दो पॉन प्लस हो चुका है। यहाँ पे वाइट को उसे कैसलिंग से रोकना है, तो सबसे पहले आप सेंटर ब्रेक का प्लान कीजिए। और यहाँ पे वाइट पॉल मर्फी थे, पॉल मर्फी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे, टैक्टिकल प्लेयर थे, और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ओपनिंग में डेवलप करने के लिए दो पॉन सेक्रीफाइस कर दिए हैं और ब्लैक के किंग को अभी तक सेंटर में ही रखा है। तो इस पोजीशन के बाद पॉल मर्फी ने खेला था e5 के बाद ब्लैक प्लेयर d takes e5। अब दोस्तों ये पहले e5 का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ब्लैक अभी भी कैसलिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि बिशप ऑन a3 जो f8 पे कंट्रोल कर रहा है। तो पॉन टेक्स e5, उसके बाद rf e1, अटैक ऑन द सेंटर। ऐसे ही होता है दोस्तों, जब भी आप गेम खेलते हो तो ऐसे ऐसे प्लानिंग सोच सकते हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज स्पेशली मिडल गेम के लिए बनाया है। रुक e1। अब यहाँ पे ब्लैक ट्राई करता है लॉन्ग कैसलिंग की तरफ भागने का, तो बिशप d7, ब्लैक को बिशप डेवलप भी हो गया और लॉन्ग कैसलिंग के लिए उसने कम्प्लीटली पोजीशन ले ली है। आफ्टर बिशप d7, पॉल मर्फी सोच रहा है कि यहाँ पे ब्लैक लॉन्ग कैसल की तैयारी में है, तो उसने तुरंत ही रुक b1 खेला। अब b फाइल पे कंट्रोल, रुक b1,
Rab1 और ब्लैक डिड लॉन्ग कैसल ब्लैक ने यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर लिया है और ब्लैक समझ रहा है टोटली उसकी गेम अब सेफ हो गई है। और हालांकि कंपेंसेशन भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी वाइट 3 पॉन डाउन हो चुका है, ओपनिंग कंप्लीट हो गई है और ब्लैक कंप्लीटली डिफेंस में है। लेकिन इसका एडवांटेज कैसे मिलेगा? सबसे पहले यहाँ से वाइट ने टैक्टिकल मूव्स बिशप a6 यहाँ पे बिशप a6 सेक्रीफाइस ऑफ द बिशप। जैसे ही उसने लॉन्ग कैसल किया और वाइट ने पहले से ही प्लान तैयार रखा था दोस्तों, पॉल मर्फी थे ऐसे ही कोई इतने सारे पॉन्स नहीं दिए होंगे, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन किया है। बिशप a6 अब ये पॉन टेक्स a6 आई थिंक नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया था नाइट सॉरी ये पोजीशन में मैंने नाइट c6 की जगह नाइट d6 कर दिया था। तो बिशप a6 में ब्लैक ने रिप्लाई दिया था नाइट a5 नाइट a5 उसके बाद re c1 अगेन चेकमेट की थ्रेट बिशप c6 क्वीन क्रॉस a5 डी क्रॉस a6 क्वीन टेक्स a6 चेक किंग d7 रुक क्रॉस c6 एंड वाइट वॉन द गेम आफ्टर क्वीन क्रॉस c6 रुक d1 चेक एंड विंस द क्वीन। तो ये बहुत ही टैक्टिकल वाली गेम थी पॉल मर्फी की। बहुत सारे और भी पजल्स और गेम्स में लेकर मेरे नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।